नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के बीच में एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जो कि काफी चर्चित इस समय केस बन चुका है, छोटू आरती केस। इस समय YouTube पर देखेंगे छोटू आरती, आरती मन्नू, ऐसा वैसा, मतलब पता नहीं कितने पॉइंट पर भी, मतलब कैसे कैसे थंबनेल बनाकर लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं, कैसा क्या है। और इसमें इस केस में इस समय इसी स्थिति बन चुकी है जिसमें कभी लोगों का जो साथ था, सांत्वना था, वो कभी आरती के साथ तो कभी आरती के परिवार वालों के साथ, कभी आरती को सही बताया जा रहा है, कभी आरती को गलत बताया जा रहा है। यार हद कर चुके हैं यार इस केस में। ऐसा ऐसा मतलब वही लोग जैसे बीना मानवी वगैरह हुई, वो पहले झांसी की रानी उसको बोल रही थी, अब बोल रही है बदचलन है। यार इसमें उसका तो अपमान, उसका जो हो रहा हो ही रहा है, उसके बाद झांसी की रानी तुलना करके आप पहले, उसके बाद झांसी की रानी को आप, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कभी उसके साथ कभी उसके साथ, और इसमें पत्रकार भी परेशान करने में कहीं पीछे है नहीं। पहुंच जाएंगे, शादी करके खुश हो, सिंदूर डांट। अभी देखिए आपको हम वीडियो दिखाते हैं, आप देख लीजिए साइड में वीडियो चल रहा है। ये लाके स्टूडेंट हैं और ये वीडियो हमने RN न्यूज़ के से लिया था ये वीडियो क्लिप, और इसका क्रेडिट भी उन्हीं को जाता है। आप इसमें देखिए लॉ के जो स्टूडेंट है वो क्या बोल रहे हैं। आरती एक खिलौना हो गई जिसे सब खेल रहे हैं, यानी कि आरती को अब सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा चाहिए, यानी आरती के साथ राजनीति हो रहा है, हो रहा है। वो जो बिना मानवी बोल रही है कि आज वो बदचलन है, वही बिना मानवी कहने वाली को झांसी की रानी है। सिंदूर कर रहा था मोनू तुमको, तो क्या तुमको वो छोटू का याद नहीं आ रहा है? ये किस टाइप का क्वेश्चन है? तो मेंटली हरास्ट है। आरती चाहे तो उस प्रेस वाले पे मेंटल हरासमेंट का केस कर सकती है। ऐसे ऐसे पत्रकार लोग भी, जो सभी को नहीं कहते, जो स्वतंत्र मीडिया वाले हैं सभी को नहीं कहते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे पत्रकार, बहुत से लोग ऐसे हैं व्यूज पाने के लिए कितना क्या बोल दे कोई पता नहीं। अच्छा मान लीजिए इसमें गलती आरती की थी, इसमें छोटू के माता की क्या गलती थी, छोटू के पिता की क्या गलती थी, या मन्नू की क्या गलती थी, जो सबको साथ में परेशान किया जा रहा, सबको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा, क्या गलती थी? हाँ मैं कहता हूँ, आप लोग भी कमेंट में बताइए कि ऐसी घटनाएं जब होती हैं दोनों तरफ को झकझोर कर रख देती हैं, उसमें बताइए झेल कौन कौन रहा है? झेल रही है छोटू की माँ, छोटू का पिता, छोटू का भाई। आरती तो इन्वॉल्व थी, मतलब उसमें कि उस कहानी में इन्वॉल्व थी, पर मतलब फेसलियल रूप से, क्योंकि आरती थी उस समय पे, ठीक है। लेकिन ये लोग तो नहीं थे उसमें, इनको पता था कि नहीं पता था इस प्यार के बारे में क्या था, लेकिन झेल रहे हैं। उधर देख, आपको दिखाई देंगे बहुत से वीडियो यूट्यूब पर हैं जिसमें आरती की दादी खाना बना रही है, इस उम्र में आरती की भाभी का बेटा 1.5 साल का अपनी नानी के पास माँ के बिना रह रहा है। इनकी क्या गलती थी? मान लीजिए जिसकी गलती थी वो जेल में है, लेकिन इस केस में आरती की दादी और आरती के भाभी का लड़का दोनों बहुत ही मार्मिक स्थित, वीडियो आप देखेंगे तो एकदम क्या बताएं आपको, पूरे डिस्टर्ब हो जाएंगे। उधर मन्नू के पिता और मन्नू की माता, ये लोग भी पत्रकारों से इतने पढ़े लिखे तो है नहीं लोग, लेकिन टॉर्चर हो रहे हैं। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कौन सही है कौन गलत है पूरे टॉपिक पर, क्योंकि आप ही लोगों के साथ डिबेट करने के लिए हम वीडियो बनाते हैं। और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि में कौन सही है, कौन किसकी कितनी गलती है, आप लोग बताएंगे, जिससे आप लोगों के सुझाव से फिर वीडियो बनाया जाएगा। और प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे कि हमें भी और हौसला मिलता रहे और आप लोगों के बीच में ऐसी वीडियो लाते रहे। जी हाँ, और दोस्तों मैं एक बात और बता दूँ कि मैं जो भी बोलता हूँ और जो प्रेजेंट ऑफ माइंड में आता है तुरंत मैं बोलता हूँ, लिखकर कुछ नहीं बोलता हूँ, इसलिए कुछ गलतियाँ हुई भी होंगी मेरी वाणी से, आपको दुख पहुँचा हो कोई भी गलती हुई तो आप लोग माफ़ कीजिएगा। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त, क्योंकि बिना सपोर्ट के कुछ कर नहीं सकता मैं।